हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनटीए नेट क्लासेस एंड दिस इज निकिता राजपूत। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे एनटीए नेट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। एंड गाइस, मैं यहां पर आपके लिए डिस्कस करने जा रही हूं करंट अफेयर। इस करंट अफेयर में हम डेली बेसिस पर डेली क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके करंट अफेयर के माध्यम से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के हुए। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए करंट अफेयर आइए जो है ये 5 मार्च का है। 5 मार्च के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगी। तो पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली द असेंबली विच स्टेट हैज़ प्रोटेस्ट अगेन द प्रपोजल टू इम्पोज फ्लूट्स ऑन द इंडियन म्यांमार बॉर्डर। तो भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगाने के प्रस्ताव पर विरोध किया है। तो ये जो विरोध किया गया है ये मिजोरम ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च हिज बुक स्वेलोइंग इन सन। तो किसने स्वेलोइंग इन सन की पुस्तक की लॉन्चिंग की है, तो ये हैं लक्ष्मी मुद्रेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले भारतीय कौन बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द इंडियन टू बी नाइट बाय द ब्रिटिश किंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सुनील मित्तल है, जो कि जिसको नाइट की उपाधि मिली है ब्रिटिश किंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 दिवसीय तभी महोत्सव शुरू हुआ है। तो ये 4 दिन के लिए है तभी महोत्सव, ये स्टार्ट किया गया है, ये स्टार्ट किया है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली ऑनर्ड एज जैन पीस एम्बेसडर। तो हाल ही में किसे जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है, तो ये है लोकेश मुनि। तो राइट आंसर है इसका लोकेश मुनि। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द डायरेक्टर ऑफ एनटीपीसी। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, एनटीपीसी के डायरेक्टर जो हैं उन्हें किसने, जो एनटीपीसी के निदेशक हैं उसका पदभार संभाला है रविंद्र कुमार जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द सिक्योरिटी टॉक्स टू सीनियर ऑफिशियल ऑफ इंडिया हैज़ अमेरिकन हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में भारतीय अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई है, तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पेयू। तो पेयू के डायरेक्टर कौन बने हैं, चेयरमैन ये हैं रेनू सूद कर्नाड। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली पास अन एंटी LGBTQ बिल। तो किस देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है, तो ये किया है घाना। और आप डिटेल में बताएंगे कि घाना कहाँ स्थित है, कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द नंबर ऑफ सुपर रिच इन इंडिया हैज़ इंक्रीज बाई हाउ मच परसेंट टू 13,263 इन 2023। तो हाल ही में अति अमीरों की संख्या में 2023 में कितने प्रतिशत बढ़कर 13,263 हुई है, तो कितना परसेंट बढ़ा है पिछले के अकॉर्डिंग 2023 में, ये है आपका 6%। तो 6% विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इन विच स्टेट हैज़ इंडियंस फर्स्ट इंडिजियस ग्रीन हाइड्रोग्रीन इंग्लैंड वाटरवे स्लिप शिप बीन रिसेंटली लॉन्च्ड। तो हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है, पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन है ये और अंतर्देशीय जलमार्ग है, तो ये जो लॉन्च किया है ये किसने लॉन्च किया है, ये तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली इन विच स्टेट हैज़ अ बिल बीन पास्ड विद द एम ऑफ कर्बिंग इलीगल
इमिग्रेशन। हाल ही में किस राज्य में अवैध अप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया गया है? तो यह है हरियाणा ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द एनिमल वेलफेयर इनिशिएटिव वंतारा? वानतारा। तो किसने पशु कल्याण पहल वानतारा शुरू की है? एक्चुअली देखिए, ये काफ़ी जो वीडियो है, लेटेस्ट जो देखा जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है ये वीडियो, कि ये पशु कल्याण के लिए इन्होंने वानतारा इनिशिएटिव शुरू किया है। तो ये रिलायंस ने स्टार्ट किया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द 31st एडिशन ऑफ बायो एशिया स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में बायो एशिया का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच कंट्रीज टोटल फर्टिलिटी रेट रेट हैज़ फॉलन बिलो 1% ऑफ द फर्स्ट टाइम? तो हाल ही में किस देश की कुल प्रजनन दर प्रणाली दर पहली बार 1% से नीचे गिरी है? तो ये ऐसा पहली बार हुआ है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सिंगापुर की है, 1% से नीचे गिर गया है इसका। ठीक है, तो आज ये जो करंट अफेयर है 5 का, इसकी वीडियोस यहाँ पर मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, मैं अगली जो वीडियो है करंट के रिलेटेड नेक्स्ट लेकर आऊँगी, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पर। इसी तरह के और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।